Our output function of next output with respect to JK is my present input. JK is my present input. And QN is my already known output. And already known output is now considered as past output. Past output. The total combinations of क्यू एंड जेके इज हाउ मच एट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स एक दो तीन चार बार जीरो चार बार वन दो बार जीरो दो बार वन दो बार जीरो दो बार वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन

What do you mean by zero one? Zero one मतलब क्या होता है? Reset. Reset. Reset मतलब रीसेट का, मतलब का मतलब बिना सोचे समझे आउटपुट लिखो जीरो नेक्स्ट वू यू मीन बाई वन जीरो का मतलब आप डायरेक्टली कमेंट करते हो. सेट मतलब बिना सोचे समझे लिखो वन वट डू यू मीन बाई वन जीरो का मतलब होता है सेट बिना सोचे समझे आउटपुट लिखो वन नेक्स्ट अभी वन वन का मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट वन वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो नाउ न इजिली सॉल्व द क्यू एन प्लस वन का के मैप क्यू एन प्लस वन इज अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल एंड दो थ्री वेरिएमा जे कॉम के आपको प्रूव करना है कि के मैप का यूज करके आपके पास ये वाला रिजल्ट आ रहा है बेटा क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन ये आपका आ रहा है ऐसा आपको प्रूफ करना है नाउ आई एम गिविंग यू टाइम टू प्रूव इट यूजिंग के मैप कैन यू प्रूफ स्टार्ट करो फिर अभी

सबका हो गया अभी सबका हो गया अभी जी सर अच्छा आप ये बताओ जस्ट आई एम रिलेटिंग द द थिंग्स आई एम जस्ट रिलेटिंग थिंग व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप अब आपको हिंदी में लिखना है हिंदी में क्या लिखना है पहले सुन लो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये वाला है. आप बताओ, आपने SR flip -flop में क्या मॉडिफिकेशन किया हुआ था एस को क्या किया था आर को क्या किया था ऐसा किया था कि नहीं क्या यही मॉडिफिकेशन हमने एसआर आर फ्लिप्लॉप में किया था दिस

अब मैं वो कराऊंगा, जस्ट इसके बाद मैं चाहता हूं, मैं वो इसको करा ही डालू लेकिन कैसे करेंगे आप? आ, साक्षी, आप बेटा ये जानते हो ना आपने तो मेरे साथ ऑनलाइन भी पढ़ा है और ऑफलाइन भी पढ़ा है किस में अच्छा पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में ऑफलाइन पे सची बताओ आ, सच्ची ही तो बता ला झूठ थोड़ी बोल रहे मतलब <laughs> आपने ना कंटेंट डिलीवर ना ऑनलाइन में ज्यादा किया है बट पढ़ने आ, बाकी लोग को बोल रहा हूँ सुन लिया पढ़ने में ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता था क्योंकि ऑफलाइन ऑफलाइन पे मेरी नोटंकी खत्म नहीं होती थी क्या बोल रहा हूँ सुनो वापस ऑफलाइन पे मेरी नोटंकी खत्म ही नहीं होती थी ये तो ऑनलाइन है कम नोटंकी किया मैंने समझे आप नहीं नोटंकी का मतलब आई एम टॉकिंग मस्ती एंड फनी वे बोल रहा सर अब सुनो आप इतना सारा पढ़ा भी भी डालते डालते हो हो मोटिवेट कर आपके बैचेस को याद करो ट्रांजिएंट नहीं पढ़ाऊंगा बोलता था इसको नहीं पढ़ाऊंगा ओपैम नहीं पढ़ाऊंगा बोलता था कि नहीं वो सिर्फ डराने के लिए था बेटा स्टूडेंट अगर डरेगा तो ही पढ़ेगा अगर स्टूडेंट आप पे हावी हो गया तो कैसे पढ़ेगा ओके okay, अभी मैं डिस्टल पे वो वाला पार्ट करूंगा थोड़ी देर के बाद हो सकता है आज करूँ या तो नेक्स्ट क्लास में करूं वो एकदम यूनिक रहेगा आपको लगेगा अभी ऐसा भी होता है क्या वो दिन दूर नहीं बेटा जब मैं एस आर फिल फ्लॉप किससे पढ़ाऊंगा पता है सुनते रहो ध्यान से वो दिन दूर नहीं जब मैं एस आर फिल फ्लॉप किससे पढ़ाऊंगा

तो QN और QN एन बार कैंसल आउट हो गया क्या yes, <coughs> मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा और इसी से रिगार्डिंग आपको जो टेस्ट होने वाला है इसमें मैं क्वेश्चन दूंगा किसके रिगार्डिंग सर आप क्या बोलना चाह रहे हो जो मैंने अभी एक दो तीन चार चार लाइन जो मैंने की है इसके रिगार्डिंग मैं टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन का स्टेटमेंट ध्यान से सुनो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ध्यान से सुनना जरूरी है अपने को हाँ, अरे कहाँ चला गया फोर फिर फाइव हाँ इधर देखो इसको देखो आ, ये येलो कलर लाइन हटा दो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है पहले वाला इसके पहले फ्लिप फ्लॉप जो गिवन फ्लिप फ्लॉप था वो क्या था एस आर एस में इस ये मॉडिफिकेशन किया था एस को जे क्यू एन बार बनाया था और आर को क्यू एन के क्यू एन बनाया था तो टोटल फ्लिप फ्लॉप का नाम क्या बन गया था जे के जे के जो मॉडिफिकेशन आपने सर्किट में किया हुआ है देखो जो मॉडिफिकेशन सर्किट में किया हुआ है यूजिंग येलो कलर पेन जो मॉडिफिकेशन हमने सर्किट में किया हुआ था यूजिंग येलो कलर पेन कहा गया वो अच्छा आगे, कहा गया वो पीछे, किधर चला गया कौन से पेज नंबर पे था ये ये आ गया। अरे बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया था क्या हमने कोई बात नहीं ये, आगे पीछे चला गया देखो आपने सर्किट में जाके क्या मॉडिफिकेशन किया हुआ था यही किया था क्या S को को? बनाया था और yes. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे भी सेम मॉडिफिकेशन करोगे आंसर सेम आ रहा है yes, मैं फिर से रिपीट करता हूँ जो मॉडिफिकेशन आप सर्किट डायग्राम पे करते हो लाइक ये वाला वही मॉडिफिकेशन आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे करोगे एस आर के तो सेम कैरेक्टरिस्टिक लाइक का जो में 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 कर रहे हो same modification mathematical connection में भी हो भी रहा रहा है और answer क्या रहा है और क्या तो आप अपने हिंदी में words में लिखो <coughs> जो मॉडिफिकेशन हम सर्किट में कर रहे हैं सेम मॉडिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी हो रहा है ऐसा हिंदी में लिखना है आपको कौन सा कैसा वाला हिंदी यूज करोगे पता चला Sir, language? आ, language? देखो लिखना आपको है 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 जो जो ऐसे ऐसे लिखने लिखने से क्या advantage है? लिखने से क्या क्या बताओ यार जो modification circuit में करेंगे करेंगे स्पेलिंग होगा तो आप जानना ठीक है जो मॉडिफिकेशन सर्किट में करेंगे सेम मॉडिफिकेशन पे होगा <coughs> सेम मॉडिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में होगा इससे कुछ कुछ न्यूम्रिकल ऐसे हैं जो आप इस इस दो स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकते हो और किसी और फैकल्टी से पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा उसको हो क्या राय करके नहीं तो फिर पूछ के देख लेना ये समझ में आया yes. <laughs> इसका प्रूफ प्रूफ तो करा दिया अभी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो बेटा सर एक और प्रूफ इसी स्टेटमेंट के नीचे अगर हम फोकस करके एक और प्रूफ देख ले तो सर इसका कोई सैंपल बताओ सैंपल मतलब एग्जाम्पल अभी के लिए चलो देखो इसको ये किसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है अच्छा मैंने बनाया था एस को डी बनाया था और आर को डी बना आर को डी बार बनाया था क्या करना चाह रहे थे क्या ये मॉडिफिकेशन आपने सर्किट में किया था yes, ये मॉडिफिकेशन हमने सर्किट में किया था क्या मैं सेम मॉडिफिकेशन यहाँ पे करू yes, yes, <coughs> ये ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ो तो पढ़ो सब लोग पढ़ो अभी पढ़ो सालो

ये हो गया डी प्लस एंड डी बारे डी कॉमन क्या देखो आंसर आया yes, sir. अभी आंसर नहीं आया आंसर तब आएगा जब ऊपर वाले स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो जो मॉडिफिक मॉडिफिकेशन हम सर्किट में करते हैं अच्छा यही वाला मॉडिफिकेशन हम सर्किट में करते हैं तो देखो आंसर रिमेंस अनचेंज अनचेंज्ड वेरी गुड जो मॉडिफिकेशन आप सर्किट के फिजिकल कनेक्शन में वायर को कनेक्शन वाइज करोगे सेम मॉडिफिकेशन आप मैथमेटिकल कैरेक्टर में भी करोगे आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स अगेन गुड वन ठीक है अब बेटा इसी स्टेटमेंट को इसी स्टेटमेंट को ना एक बार और कर लीजिएगा आप ठीक है भैया भैया चाय के लिए थैंक यू भैया चाय के लिए थैंक यू बोला हमने आप रिस्पॉन्स नहीं किए वेलकम ओके चलो ठीक है चलें क्या आगे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ मैं पीछे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ कौन सा फिल्पला जेके। जेके। रहिएगा बेटा I need good concentration. I need good concentration. याद रखना मैं एक बात बोल देता हूँ फ्लॉप को भी उतना नहीं आता होगा जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ बोलो यस और नो। हाँ तो अभी देखते रहना ये मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ मैं अपने आप को नहीं मैं अपने आप को नहीं प्रूफ दिलाता हूँ मुझे सब कुछ पता है मेरे को आपको बताना है अच्छा हम क्या हेडिंग पढ़ रहे हैं अभी देखो ध्यान से हम पढ़ रहे हैं कौन सा फ्लिपलॉपलॉप डी फ्लिपलॉप फ्लिप <laughs> एक मैसेज कन्वे करना है आपका डिजिटल कंप्लीट हो जाएगा डिजिटल के कंप्लीट होने के बाद हमें एक टॉपिक पढ़ना है जानते हो आप दिश्य। 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 ओके अब सुनिए ध्यान से मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि मैं छह घंटे पढ़ाऊंगा बट छह घंटे नहीं बेटा मैं पांच घंटे पढ़ाऊंगा मिनिमम इतना बोला इतना तो पढ़ाऊंगा ही इट कैन बी सिक्स बट मिनिमम इट विल बी अच्छा जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो ऑफलाइन में पढ़ाता था कितने देर यस सर हाँ तो ये डेफिनेटली है कि मैं ऑनलाइन पे एक घंटे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा मिनिमम आर यू नेक्स्ट अगर मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं और मैंने अगर एडर लिख दिया या कंपेरेटर लिख दिया और अगर उस टाइम पे अगर आप आंसर नहीं दोगे ना बेटा तो ये जो है ना ऐसे करके ये हो जाएगा सपोज मैंने बोला ए आउटपुट बताओ और दो सेकंड हो गया तीन सेकंड हो गया और अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो स्लाइड ऐसे हो जाएगा नेक्स्ट पेज में चला जाऊंगा समझे yes, फिर आप सर क्यों करोगे ऐसा क्योंकि कंपेरेटिव पढ़ाऊंगा एडर पढ़ाऊंगा जैसे किसी को समझ में नहीं आया कि ये इंटीग्रेटर एग्जाम्पल के लिए

कि समझ में नहीं है और किसी ने डिफ्रेंशिएटर बोल दिया तो पता है क्या होगा होगा कुछ नहीं ये हो जाएगा देखो सी ये बटन दिखा yes, sir. ये yes, sir. ऐसे दबा दूंगा मैं फिर बाहर में जाओ और इतना कुछ जानोगे तो फाइव आवर्स बेटा सीरियसली बहुत ज्यादा टाइम है ए टू डी डी टू ए के लिए अब आप बोलोगे ये पांच घंटे का वेट करना मैं आपको एनोलॉग और डिस्ट्री को एक साथ मर्ज कर दूंगा फिर आपको कितना इंटरेस्ट आएगा देखेगा तो प्लीज

अरे तो क्या करना है देखो मैं अगर गलत भी करूंगा ना तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे यस और नो यस सर अब देखो मैं कितना भी गलत कर लू बेटा क्लासेस में स्पेलिंग को आप मेरा मजाक नहीं बना सकते एम आई करेक्ट यस सर ये क्या लिखा मयंक ने सर बढ़िया लगा मॉडिफिकेशन वाला कंसेप्ट आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही पढ़ाते हो जितना करा देते हो कवर करना

तो ना उनको इतना कुछ कंटेंट बता देना जितना उनके बुक्स में ना लिखा हो फिर कभी 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 आप 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 माइंड से पढ़ा रहे हो कभी आप रात को सो नहीं पाए हो और फिर भी पढ़ा रहे हो तो छोटी मोटी गलतियां सपोज हो गई आपसे या स्पेलिंग में ही एरर कर दिया तो बच्चा आपका कभी मजाक नहीं बनाएगा तो आप अपने आप को उस लेवल तक लेके जाओ टीचिंग के प्रोफेशन तक कि बुक से ऊपर पढ़ाओ सो दैट बच्चा कभी बुक ओपन कर ले क्लास वाला बोलेगा यार ये वाला तो हमें बुक में दिया नहीं तो फिर सर कहाँ से पढ़ा रहे इतनी सारी चीजों को Same, अगर मैं स्पेलिंग में कितना भी एरर करूं आपको तो पता है कि सर तो, तो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं तो क्या हो गया तो yes, यूज करूंगा ए टू डी वो तो अलग बात है लेकिन इसमें जो मॉडिफिकेशन है उसको देखो बेटा पहले हम मॉडिफिकेशन देखते हैं जो आपके सामने जो फ्लिप फ्लॉप रखा है उसका नाम बताओ जीजी. जे के फ्लिप फ्लॉप जे के समझ में आया यस yes, सर अगर जे के समझ में आया तो टी भी समझ में आया अब देखना कैसे अगर जे के समझ में आया तो टी भी समझ में आया देखो कैसे जे और के को दोनों को मिला दिया शॉर्ट सर्किट कर दिया शॉर्ट सर्किट वाला वर्ड किसमें यूज करते हो एनालॉग में यस सर जे और के को मिलाकर क्या बनाया ये सर। अच्छा ये सर्किट आप बनाओगे मैं आपको टाइम दूंगा कोई जल्दी बाजी नहीं है अब देखो ये कौन सा फ्लॉप है जो आपके सामने रखा हुआ है जे के और के दोनों को क्या करना है मिलाना है बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं तो संगम हो गया संगम हुआ कि नहीं संगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं शॉर्ट okay, सर्किट। अरे शॉर्ट सर्किट yes, हाँ चलिए इंटरसेक्शन हाँ वो भी सही है इंटरसेक्शन ओके शॉर्ट सर्किट कितना बन गया अभी जे और के को शॉर्ट सर्किट कर दो और टी से कनेक्ट कर दो अब ये नया वाला फ्लॉप क्या है बेटा T. अब मैं वर्किंग नहीं बताऊंगा फिर आप बोलोगे सर क्यों वर्किंग क्यों नहीं बताओगे सुनते रहना ध्यान से प्लीज़ फोकस हम करते हैं सबसे पहले क्लॉक टी हमारा इनपुट है क्यू एन हमारा आउटपुट है और क्यू एन बार हमारा कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है अगर मैं क्लॉक नहीं दूंगा टी को कुछ भी दो देखो ध्यान से अगर क्लॉक जीरो है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आया जीरो फिर से बताऊंगा अगर यहाँ पे क्लॉक जीरो गेट का आउटपुट कितना आया जीरो जीरो बिहेवियर बताओ होल्ड होल्ड तो दुनिया का कोई भी फ्लिप फ्लॉप जिसमें अगर आप क्लॉक नहीं दोगे होगा क्या उसका होल्ड होल्ड करेगा Hold करेगा अब हम क्लॉक को वन दे रहे हैं अब हम क्लॉक को वन दे रहे हैं जब क्लॉक को वन दोगे बेटा तो टी की कितनी पॉसिबिलिटी है दो पॉसिबिलिटी जीरो एंड वन। वन, टी टी जीरो और टी वन टी को जीरो देने का मतलब जे के दोनों कितना है जीरो 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 तो आगे जानते हो आप जे के दोनों जीरो मतलब ओके hmm. okay. आगे सुनते रहो टी को मैंने बन दिया टी को मैंने बंद दिया आप मेरे को रोक नहीं सकते टी को बंद देने से टी को बंद दिया क्लॉक भी बंद दिया टी इक्वल टू वन मतलब कितना फिर आप बोलोगे एल -e -e अरे भाड़ में गया हाँ फिर आप बोलोगे सर वर्किंग तो बता दिया आपने लेकिन हमने कॉलेज लाइफ में पढ़ा था कि जेके फ्लॉप में क्या होता है Race around condition. Race around condition. अगर मेरे को बोलता है कि कि ये ये चार flip -flop दिया हुआ है है है, और तो तो अगर मेरे को बोलता किस में होता आप क्या बोलोगे? अच्छा, अब मल्टीपल सेलेक्ट दो दो आंसर चूज कर सकता हूँ मैं तो मैं जेके बुट करूंगा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन टी समझ में आया और सपोज जे के ऑप्शन पे है ही नहीं चारों ऑप्शन में टी दिख रहा है मेरे को और कोई दिख नहीं रहा है एस आर है डी है एक्स वाई फ्लिपलॉप है एस आर फ्लिप्लॉप है एक्स वाई फ्लिप्लॉप है डी फ्लिप फ्लॉप है और टी फ्लिप्लॉप है कैपिटल टी टॉगल अब क्या टिक करोगे अब क्या टिक करोगे टी रेस अराउंड कंडीशन किसमें होता है JK में।, अगर, में अगर जेके ऑप्शन में नहीं है तो किसको ढूंढोगे को फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपका चूज करने वाली जेके। और अगर जेके नहीं मिला तो नेक्स्ट टी। वन टी, सुनते रहिएगा कुछ ऐसी चीजें बताओ जो आपके कंट्रोल में नहीं है जो आपके कंट्रोल में नहीं है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीजें बताओ जो आपके कंट्रोल में नहीं है मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एग्जाम्पल नहीं सूझ रहा है ऐसी कोई चीजें बताओ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है कोई ऐसी चीजें बताओ जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है बेटा जल्दी बताओ ना आप लोग तो फिजिक्स के स्टूडेंट हो लाइफ एंड डेथ सर हाँ लाइफ एंड डेथ हाँ वो हमारे कंट्रोल पे नहीं है हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वही 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 गुड तो रेस अराउंड कंडीशन ना बेटा किसी के कंट्रोल्स के बाहर है इट इज आउट ऑफ कंट्रोल बोला मैं क्लियर सी टी आर एल और टॉगल क्या होगा टॉगल हमारी कंट्रोल पे होगा समझ में आया दोनों में डिफरेंस रेस अराउंड कंडीशन हमारे हम हमसे आउट ऑफ कंट्रोल होता है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन टॉगल को हम कंट्रोल कर सकते हैं आप तो जीरो तो का वन होगा या वन को जीरो होगा बस तो रेस अराउंड कंडीशन इज कंट्रोल इट इज नॉट इन आर कंट्रोल एंड टॉगल इज इन आर कंट्रोल अगर कोई पूछता है तो ये अनकंट्रोल्ड है और ये क्या टॉगल कंट्रोल्ड ठीक है अगर मेरे को पूछता है कि रेस अराउंड कंडीशन किस में हो सकता है तो मेरी पहली प्रायोरिटी है जेके और दूसरी प्रायोरिटी क्या है? नोट तो, करो इतना जल्दी रेस अराउंड इज कंट्रोल्ड बट टॉगल इज अरे रेस अराउंड इज अनकंट्रोल्ड Race रेस अराउंड इज अनकंट्रोल्डॉगल इज कंट्रोल्ड रेस अराउंड कब होता है बताओ when J and K एंड बोतार? One. बोतारेस अराउंड कंडीशन हम पढ़ेंगे बेटा लेकिन हमारे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा काउंटर है सिंक्रोनस ए सिंक्रोनस शिफ्ट रजिस्टर जॉनसन एंड ड्रिंक काउंटर वो अगर कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास टाइम रह जाता है तो मैं आराम से पूरा टाइम लेकर रेस अराउंड कंडीशन डील करूंगा तब जाके मैं मास्टर्स फ्लॉप पढ़ा पाऊंगा ठीक है बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए काउंटर इंपॉर्टेंट है न कि रेस अराउंड कंडीशन ओके यस और नो ये भी ये सर्किट बनाया कि नहीं आपने ये वाला देखो जल्दी बनाओ छोटा कर दीजिए सर ऊपर का भी रहता है ये छोटा करना है बड़ा करना है छोटा कर दो छोटा ऐसा यस सर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से ज्यादा प्रॉब्लम है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या बोलो बेटा हो गया आराम से लिखो कोई जल्दी बाजी नहीं है हो गया yes, ठीक है yes, अभी एक स्टेटमेंट लिखा था बेटा वो स्टेटमेंट क्या था कहा चला गया वो यही है क्या क्योंकि क्या हुआ ना मिसमैच हो गया अरे इधर नहीं ये भी नहीं नेक्स्ट ये देखो क्या लिखा हुआ है पढ़ो वापस जो मॉडिफिकेशन सर्किट में करेंगे सेम मॉडिफिकेशन करेक्ट होगा ओके okay, गुड what is the characteristic equations of jk tell me ठीक है we know you know what j and k both are short circuited to t so So I can rewrite this expression as T multiplied by Qn bar plus T bar into Qn. Is it XOR? Yes, sir. And XOR follows commutative law. What is this? Is this the characteristic equation of T flip-flop? Yes, sir. तो जो मॉडिफिकेशन आप सर्किट में करते हो सेम मॉडिफिकेशन हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे भी कर सकते हैं तो दिस इज माय आंसर दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ टी फ्लॉप यहां तक नोट करो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ टी फ्लॉप मैंने कभी चीजों को याद करने की कोशिश नहीं की बेटा अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो हम लॉन्ग टाइम तक रिटेन नहीं कर पाएंगे आप देख सकते हो मैंने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई भी नोट्स फॉलो नहीं किया हुआ है मैंने सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए नोट्स फॉलो किया हुआ है आप जब भी टीचिंग करोगे और अगर कॉपी को देख देख कर पढ़ाओगे एग्जाम्पल के लिए तो बच्चों के दिमाग में कई बार नेगेटिव थॉट्स आ जाता है ठीक है इसीलिए कॉपी जितना कम देखोगे आप टीचिंग करते वक्त तो बच्चा बच्चा उतना ही आपको रेस्पेक्ट देगा क्लियर जैसे yes, yes, हम कॉलेज में थे हम कॉलेज में थे तो ना हमारे टीचर्स लोग ना नोट्स लेके आते थे तो कई बार हमारे थॉट में क्या आता था यार मेरे को भी चार साल पढ़ाने को दे दोगे तो मैं भी पढ़ा दूंगा चाहे मेरे पास डिग्री हो चाहे ना हो ऑब्वियसली बट वो थॉट्स आप रिमूव तभी कर सकते हो क्योंकि जब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाओगे बेटा कॉलेज में ट्राई करना कि नोट्स रिफर कम करो नोट्स लेके जाओ क्लास में कोई इशू नहीं है बट उसको जितना कम देखोगे बच्चा आपकी रेस्पेक्ट खुद ही करना स्टार्ट कर देगा और पूरे में आप क्लास नोट्स लेके ही नहीं जाओगे तो बोलेगा यार ऐसा तो बहुत है अपने को। है इतना yes, अभी देखो इसको मैं बोलता हूं लेट्स ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक टेबल लेट्स ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया ये तो ठीक है और पता है टीचर जितना mistake करेगा उतना वो वो सीखेगा लेकिन वो mistakes ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छा हो कैरेक्टरिस्टिक टेबल जैसे अगर मैं मिस्टेक करूंगा तो डेफिनेटली उसमें लर्निंग होगी ही होगी कैरेक्टरिस्टिक टेबल अब मैं ये सब पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसी को दूसरे क्लास में बोलता तो आप मेरा मजाक बना देते हैं ओके तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ व्हिच फ्लिप फ्लॉप नाउ टी हम क्या करते हैं पता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम आने वाली आउटपुट को निकालते हैं और आने वाली आउटपुट को आप दो तरीके से लिख सकते हो या तो qn लिखो qn प्लस लिखो या तो qn लिखो आने वाला आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन चलो बताओ आने वाला आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट देखो बेटा आपके हाथ में कौन सा इनपुट है आपके हाथ में टी इनपुट है यस और नो यस अब और सुनो क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन ना कभी खत्म नहीं होगा अगर कल बोलोगे ना कल सीक्वेंशियल पढ़ाओ आई कैन गिव एश्योरिटी और चैलेंज कि कल का सीक्वेंशियल आज से अलग होगा लिख के ले लो हमेशा ऐसा होता ही आया कुछ ना कुछ बदलेगा yes, अगर मैं टी की बात हूं टी आप देते हो कि कोई और देता है आप दोगे ना yes, लेकिन जो yes, भी देगा कोई भी लेगा उस टाइम पे टाइम तो प्रेजेंट टाइम होगा तो वो तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम हो गया और जो हमारा क्यू एन है वो ऑलरेडी आउटपुट चुक आ चुका है जो आउटपुट आ चुका चुका है है उसको क्या बोलोगे चुका है, पास्ट पास्ट आउटपुट और जो क्यू एन प्लस वन है उसको क्या बोलोगे आने वाला आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट बेटा आने वाला आउटपुट सो क्यू एन और टी की कितनी पॉसिबिलिटी है oh. सही है? जीरो yes, को होल्ड करोगे तो क्या आएगा जीरो वन को होल्ड करोगे तो क्या आएगा मैंने बोला वॉट डू यू मीन बाई टी वन टी वन का मतलब बताओ मतलब टॉगल टी वन का मतलब बताओ मीनिंग मीनिंग इसको के मैप से सॉल्व कर लोगे मैं मैं बोला मैं आपके लिए के मैप जल्दी से कर देता हूँ देखो मुझे तो दिख तो रहा है कि वो टू इनपुट एक्सओ आर है हम हम सबको दिख रहा है कि जीरो जीरो

तो ना अगर ये सीक्वेंस में नहीं होता ना तो ब्लाइंडली मत फिल करना अब देखो बेटा फिलिंग कैसे करते हैं। अगर पता चला ये पे, ये ये पे था था था। और आपने ध्यान नहीं दिया। दिया दिया उसने लिख लिख ऐसा तो आप बंद करके फिल मत करना आप पहले ध्यान देना जीरो में जीरो है देखो जीरो में जीरो है जीरो में, 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 में वन है देखो वन जीरो में वन है अगर एग्जाम पे सीक्वेंस में दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर सीक्वेंस में नहीं दिया वो आपके साथ पता चला वो आपको में बार बोल रहा हूं कोई बंदा आपको कितना भी मिसगाइड करे ऐसे करोगे क्या नो सर नो सर अगर बुक में भी ऐसा किया हुआ है सपोज किसी बुक में भी ऐसा कर देता है तो आप क्या बोलोगे पागल है वो। नहीं बुक वाले ने गलत किया हुआ है अब सामने खड़ा होता तब बोलते ना बेटा पागल एक पागल को सारे पागल नजर आते हैं ढूंढू बताओ डायलॉग है ऑल द बेस्ट ये ऑल द बेस्ट हाँ एक पागल को सारे पागल नजर आते हैं ओके okay. हम डायगोनली कोई ग्रुप नहीं फॉर्म करते क्या अब आंसर आ गया डायरेक्टली लिख दूसरे हम बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं डिस्टल की कंप्लीशन में लेकिन लेकिन कंडीशन क्या है हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं वो बताओ हाँ लॉजिक गेट्स हाँ लॉजिक गेट के मैप आपको पढ़ाया था यस हो गया यस सर ओके जो मॉडिफिकेशन मैं मैं फिजिकल uh, कनेक्शन में करता हूँ सेम मॉडिफिकेशन में वहां पे करता हूँ तो मेरा आंसर देखो अभी भी सेम है क्लियर यस सर यस सर ओके अब मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ क्लॉक सिग्नल और उसके बाद एक ऐसा नीम्र करा दूंगा जो आने वाले 20 इयर्स तक कोई नहीं पढ़ाएगा 20 इयर्स की बात कर रहा हूं मैं वो भी किसको किसको बोल रहा हूं पता है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात कर रहा हूं मैं आने वाले 20 इयर्स तक उनको कोई हैंडल नहीं करेगा लेकिन हम पहले क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉक सिग्नल ठीक है क्या पढ़ेंगे बोलो सिग्नल अगर मैंने आपको बोला कि सर ये क्लॉक सिग्नल देता क्यों हूं मैं किसी सर्किट में तो आप क्या करोगे पता है आप बोलोगे सब जब बहुत सारी चीजों को एक साथ वर्क करवाना होता है तब किसका हेल्प लेते हैं हम क्लॉक सिग्नल आप ये बताओ घड़ी का यूज क्या है घड़ी मतलब क्लॉक अरे घड़ी मतलब क्या होता है क्लॉक क्लॉक और हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका भी नाम क्या है? क्लॉक लेकिन लेकिन शॉर्टकट में मेरा मैं मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा मैं इतना मेरी जुबान क्यों लड़खड़ आ रही है बताए है? बताता हूँ आपको रीजन भी बताता हूँ क्योंकि खाना खाते खाते जो टंग है ना छप गया था वो दांतों के बीच में आ गया था मैं दर्द हो रहा है thing. Next मेरे पास content इतना सारा है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते सोच रहा हूँ किस लेवल तक लेके जाऊं इसीलिए अब, अब बताओ क्लॉक को हम कैसे लिखेंगे CLK. CLK. Next. Clock का रियल लाइफ में यूज बताओ आपकी नहीं आपकी रुको 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 आपकी दिन प्रतिदिन में क्लॉक का क्या यूज है हाँ दिन प्रतिदिन में क्लॉक का एप्लीकेशन बताओ दिन बता था था। आपकी दिनचर्या अरे सुनो ना, आपकी दिनचर्या में, <?����Le> दिन में क्लॉक का क्या यूज है शेड्यूलिंग की स्पेलिंग बताओ शेड्यूल की स्पेलिंग बताओ एस सी एच एस सी एच एल एल क्लॉक क्या प्रोवाइड करता है आपको बताओ शेड्यूल शेड्यूल क्या ये मैनेजमेंट देता है आपको हाउ टू मैनेज अगर मैं आपकी घड़ी से अरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ अगर मैं आपके घर से टाइम हर जगह से गायब कर दू सुना yes, sir. Yes, sir. तो आपको कैसे पता चलेगा कि छह बजे उठना था या पांच बजे उठना था तो हर जगह फोन का भी टाइम हटाओ जो भी टाइम है आपके घर में टाइम ही नहीं है कि चाहे किसी भी मीडियम या मोड से आप टाइम नहीं देख सकते तो आपकी लाइफ कैसे होगी बताओ रुक जाएगी अबे कैसे रुक जाएगी कुछ भी बोल रहा है कोई भी पता नहीं चलेगा अपने आप एक नाम क्या था लड़के का दोस्त अपना नाम बता रहे हैं प्लीज अजय तो अजय अगर क्लॉक नहीं होगा तेरे घर में तो तेरी लाइफ रुक जाएगी सच में पता ही नहीं चलेगा ना क्या हो रहा है हाँ तो, पता नहीं चल रहा तो क्या चल भी नहीं पाएगा क्या बेड से उठ भी नहीं पाएगा क्या कुछ भी मत बोल यार क्लॉक एबसेंट है आपकी लाइफ से अगर क्लॉक एबसेंट है तो आपका जो टास्क है वो कैसा है ठीक है ए सिंक्रोनस है लाइक like मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं उसके घर से सारे क्लॉक को हटा दो ऑफिस की मीटिंग कितने बजे रखेगा वो हा? जब पहुंच जाएगा तो भी हो जाएगी आप पहुंच जाएगा तो उसको कब पता

लोकल ट्रेन का गेट कब कब बंद होता है कभी नहीं होता सर वो सर लोकल ट्रेन तो खुले रहते लोकल ट्रेन में कभी बैठे हो कि नहीं सालो सर, तो, तो जब खुद बंद करना है तो बंद हो जाएगा खोलना है तो खोल लो हाँ सर. अच्छा अब हम जा रहे हैं अब इमेजिन करो हमारे पास क्लॉक है फिर मेरे को ना वो भी चाहिए फीडबैक कि सर क्या एक्सप्लेन किया आपने ओके पहले सुनो अभी अब मैंने बोला मेरे का दिमाग मेरे मेरे घर में एक क्लॉक है लेकिन क्लॉक ऐसा है फिर आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया अब ये है वो क्वार्स घड़ी में लिखा रहता है यस यस सर सर एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है सिलिकॉन का वन ऑफ फॉर्म है वो सिलिकॉन क्रिस्टल अब आप जानते हो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हर एक क्रिस्टल का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है उसी से हम घड़ी बनाते हैं ये है अभी वो क्लॉक क्लॉक तो अब हमारी लाइफ कैसे मेंटेन्ड है है क्या yes, है. अब हम आराम से बजे उठते हैं सात बजे वाली क्लास खत्म करते हैं फिर आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं अगर मेरे पास घड़ी नहीं होता तो एक बजे क्लास कैसे ऑफ करता बिना देखे फिर मैं जाता और वापस कितने बजे आता मैं खुद का टाइम एस्टिमेट तो फिर एस्टिमेशन के हिसाब से हर चीज चलता लेकिन वो भी एस्टिमेशन आपको इसलिए अच्छे से आता है क्योंकि आपने रियल लाइफ में कभी ना कभी घड़ी का यूज किया हुआ है इसीलिए ओके अब अब मेरी लाइफ कैसे चलेगी तो क्लॉक इसीलिए हमारे पास जो क्लॉक है ना हम जो क्लॉक यूज कर रहे अपने सीक्वेंशियल में उसका भी स्पेलिंग वही है और जो रियल लाइफ में जो घड़ी यूज करते हो उसका भी स्पेलिंग क्या है? वही है। वही है और इसका मतलब सिर्फ एक ही है टाइमिंग इश्यूज को सॉल्व करना बताओ हाउ आई हैव डिफाइंड क्लॉक जल्दी बताओ अरे बताओ जल्दी बढ़िया सही सर एक नंबर सर एक नंबर ओके okay. साला जबरदस्ती बोल रहे हो मेरे को पता है अंदर से मन तो कर नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं क्योंकि इसको खुश नहीं करेंगे तो आगे सिलेबस पे जाएगा नहीं है ना ऐसा लग रहा है अंदर से बहुत ही नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सब दिल

यार वो बंदा फिर से नहीं आ सकता क्या हमारी लाइफ में अब बोलो कैसा लगा आ, मैं वापस नहीं आऊंगा आपकी लाइफ में बता दिया ना आप मेरी लाइफ में वापस कभी आना बोलो क्यों एग्जाम निकाल लोगे तो आओगे थोड़ी मेरी लाइफ में वापस ओके ठीक है ओके तो टाइप्स ऑफ क्लॉक सिग्नल के बारे में स्टडी करने वाले बट क्लॉक क्या बताओ आपके लिए हमेशा डिजिटल में क्लॉक सिग्नल का मतलब क्या होता है स्क्वायर बेफॉर्म आगे चले नेक्स्ट पेज सर यस सर लिखो टाइप्स ऑफ क्लॉक सिग्नल टाइप्स ऑफ क्लॉक सिग्नल आपको चार टाइप्स ऑफ क्लॉक सिग्नल जनरली नजर आ सकता है तो मेरे साथ साथ पहले बनाओ आप साथ साथ बनाओ अभी <coughs> मेरे साथ साथ बनाइए बेटा अभी देखो अ फिजिक्स स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट हो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का चाहे वो बी टेक करे चाहे वो एम टेक करे अगर उसको टेस्ट करना है डिजिटल में तो टेस्ट कहां से कर सकते हो सीक्वेंशल से नेक्स्ट कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है उसको टेस्ट करना है एनालॉग के एक्सपेक्ट में तो उसको आप मॉसफेट से चेक कर सकते हो उसको मॉसफेट कितना आता है लेकिन क्योंकि आप फिजिक्स बैकग्राउंड वाले हो तो मैं आपको टेस्ट करने के लिए सिर्फ ओपैम्प ही दे सकता हूँ करेक्ट इतना लेकिन अगर आप ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक करते एमटेक करते तो मैं आपको टेस्ट कहां से करता मॉसफेट से अभी देखो बोर्ड पे जब कोई एक पल्स आएगा देखो ध्यान से एक बार मैं बोला बेटा कोई भी एक पल्स प्लीज फोकस नाउ अगर हमारे पास एक पल्स है ऐसा क्या ये एक पल्स है क्या देखो तो yes, sir. ये क्या है इसको क्या बोलते हो आप पल्स की विट्थ बोलोगे ना yes, मैंने आपको आई थिंक ड्यूटी साइकिल डिस्कशन किया है Yes, अगर ड्यूटी साइकिल का डिस्कशन हो चुका है तो मैं यहाँ पे ड्यूटी साइकिल का डिस्कशन नहीं करूंगा दिस मच विथ ये राइस कर रहे हो कि फॉल कर रहे हो राइस राइस कर रहे राइस करोगे तो वैल्यू क्या होगी जीरो से वन की वन से जीरो सेवन जीरो से वन जीरो से वन जाने का मतलब राइज करना अच्छा दूसरा क्या यहां पे मैं फॉल कर रहा हूं फॉल करने का मतलब क्या हुआ ऊपर से नीचे आना और ऊपर से नीचे आना मतलब One से तो एक पल्स में एक पल्स में राइज भी होगा उसी में फॉल भी होगा right. अब इसका नाम लिख रहा हूं मैं इज द एज या तो फिर राइजिंग एज राइजिंग एच देखो राइज वाली एज एज का मतलब क्या होता है किना, किनारा है ना तो राइजिंग एज नेक्स्ट वन इज इट ऑल्सो पॉजिटिव एज ट्रिगर जब जो राइज कर रहा है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एज फॉल कर रहा है तब क्या बोलोगे जस्ट उसका ऑपोजिट राइजिंग को क्या बोलोगे फॉलिंग फॉलिंग एज को और क्या बोलोगे उधर पॉजिटिव एज था क्या बोलेंगे negative edge. सही है राइज yes. का मतलब ऊपर जाओ ऊपर जाओ का मतलब जीरो से वन जाओ फॉल का मतलब नीचे जाओ नीचे जाओ का मतलब वन से जीरो जाओ फॉलिंग को हम बोल सकते हैं नेगेटिव एज राइजिंग को बोल सकते हैं हम पॉजिटिव एज हो गया ये तो हो गया था क्लॉक के बिहेवियर के बारे में फॉलिंग एज राइजिंग एज नथिंग एल्स ठीक है ओके okay. अगर आप बुक फॉलो करोगे ना बेटा तो कभी ये वर्ड अगर नजर आ जाता है तो इतना घबराने का नहीं है सपोज आप एग्जाम दे रहे हो और किसी ने लिखा पीजीटी क्या लिखा किसी ने PGT. तो पीजीटी का फुल फॉर्म आप लिखोगे पॉजिटिव गोइंग ट्रिगर या पॉजिटिव गेट ट्रिगर क्या लिखोगे पॉजिटिव गेट पॉजिटिव गेट ट्रिगर पीजीटी का मतलब पॉजिटिव गेट ट्रिगर यहाँ पे क्या लिखा है एनजीटी फुल फॉर्म बताओ नेगेटिव गेट ट्रिगर ये सारे वर्ड्स आपको कभी बुक में ही मिलेंगे कोई नॉर्मल बंदा पढ़ाएगा ना कभी नहीं मिलेगा इतना सारा वर्ड्स नेगेटिव गेट ट्रिगर हो गया इसको देखो इसका एक सिंबल है पॉजिटिव ग्रेट ट्रिगर का एक सिंबल है ये सिंबल नजर आया पॉजिटिव गेट ट्रिगर ये एक सिंबल है और यहां पे मैं स्क्वायर वेवफॉर्म फॉर्म बना रहा हूं और स्क्वायर वेवफॉर्म फॉर्म बनाने का मतलब यहां पे क्या दिया आपने नेक्स्ट yeah. जब ये फॉलिंग एज होगा तो ऐसा होगा बबल लगा दो बबल लगाने से नेचर बदल जाता है बबल के साथ एरो का मतलब क्या हुआ नेगेटिव गेट ट्रिगर और डायरेक्ट अगर एरो है तब क्या हुआ पॉजिटिव गेट ट्रिगर पॉजिटिव गेट ट्रिगर ये आप बना लो ये आपका सिंबल है बेटा किसका सिंबल है ये नेगेटिव गेट ट्रिगर ये किसका सिंबल है पॉजिटिव गेट ट्रिगर समझ में आया जल्दी yes, ये स्वागत ने लिखा हुआ है कि रोलेक्स भी ऐसे ही बननी पड़ेगी बेस्ट एक्सप्लेनेशन रोलेक्स मतलब वॉच की बात कर रहा होगा ये रोलेक्स की वॉच हो चाहे किसी भी की वॉच हो बेटा उसमें क्या होता है ना बस क्रिस्टल बदल देते हैं हम अब आप सुनो है ना मेरे को अपना नॉलेज शो करना कभी कभार ऐसा लगता है कि हम शो कर दें देखो ध्यान से एक बार मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ ना रोलेक्स की वॉच पे जो क्रिस्टल यूज होता है ना बस उसी में डिफरेंस आता है हालांकि मैंने कभी स्टडी नहीं किया हुआ बट मैं जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को जितना रिकॉल कर सकता हूँ उसको देखो सबसे सस्ता ये होता है सबसे सस्ता क्वार्ट सबसे सस्ता क्रिस्टल क्या होता है स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है रोचल बोलते थे रोचल सॉल्ट आपने कभी सुना होगा शायद आप लोग भी क्वार्ट्स पढ़ते होंगे क्वार्ट्स रोचल सॉल्ट और ये होता है टी ओ यू आर एम ए एल आई एन ई टॉर्मलिन करके टॉर्मलाइट टॉर्मलिन तो डिपेंड करता है बेटा कि वॉच महंगा ना क्वार्ट्स की वजह से ही होता है अलोंग विद दैट कि उसको कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्रॉपरली तो बट बेसिक जो क्वार बेसिक जो क्रिस्टल यूज करते हैं वही उसका हर्ट होता है बाकी तो ब्रांड के चार्जेस लेते हैं आप जानते हो बाकी सब ब्रांड के चार्जेस है बट बेसिक वॉच की मैन्युफैक्चरिंग इस पर ही डिपेंडेंट है और आप बोलोगे सर इस पर कैसे डिपेंडेंट है अगर इस पर अगर आप डिपेंडेंसी की बात करोगे तो कितना नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोल्यूशन है क्या बोला Natural frequency. True frequency. जिसको आपको याद होगा मैंने oscillator में sustained oscillation लिखाया था। yes, sir. Sustained oscillation. अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, के टीचर हो तो कुछ तो आना चाहिए आपको ऐसा बोलो ना मेरे को बोलो इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर हो तो कुछ तो आना चाहिए आपको तो कुछ आता ही नहीं है बोलो ऐसा ये उसी क्रिस्टल का एसी इक्वलेंट सर्किट है कौन से क्रिस्टल का एल एल एस आर एस किसका इक्वलेंट सर्किट है ये ये पैरेलल प्लेट है उसने रोलेक्स लिख दिया था ना तो मेरे को लगा चलो मैं थोड़ा बताता हूं बस थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर क्या है? वही क्रिस्टल और हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं इनपुट तो ये तो मैकेनिकल वर्ल्ड है मतलब फिजिकल वर्ल्ड है लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड को अगर आपको स्टडी करना है तो ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट है मैं इसको आराम से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स में पढ़ाता था, था पहले लेकिन फिर उसके बाद उसमें क्रेज खत्म हो गया मैंने बोला ठीक है आप अपना फील्ड इसी में ही फोकस करो किसी एक जगह पे बल्कि हालांकि वो पार्ट वही था नाउ इंपोर्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा देख सकते हो आप डेप्थ कितना ज्यादा है फिर ये ऐसे ऑसोलेट करता था बेटा तो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेशन मिलती है आपको एफ एस एंड एफ पी जितना मैं अभी रिकॉल कर पाया क्योंकि मैं इसको अब तक पढ़ाना बंद कर चुका था तो ये दिस इज नथिंग बट ये है क्रिस्टल ऑसलेटर तो अपने इंफॉर्मेशन के लिए नोट कर सकते हो समझ में आया तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्रिस्टल यूज कर रहे हो तो उस हिसाब से बेसिक मैन्युफैक्चरिंग होती है बट उसके बाद जो कॉस्ट लगता है वो तो ब्रांडिंग का कॉस्ट लगता है कि अगर आप रोलेक्स को किसी एक सेलिब्रिटी से प्रमोट करवाओगे तो ज्यादा पैसा लगेगा ठीक और अगर किसी रोलेक्स को नॉर्मल किसी बंदे से आप प्रमोट करवाओगे तो कम पैसे लगेंगे ठीक है इसलिए तो कितने बार बोलते हैं कि वो जो प्रमोट कर रहे हैं उसपे बेस्ड मत करना एग्जाम्पल आप, अब आपके घर में वो है वाटर फिल्टर yes, sir. इसको क्या बोलते हो? हैं yes, इसका जो इंटरनल सर्किटरी है ना बेटा क्योंकि मैंने एक बंदे से बात किया था तो वो बताया अब वो जितना बताया मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ बोलता है सर कैंट यूज करो कि नॉर्मली लिफ गार्ड यूज करो या तो कोई भी यूज करो आप दोनों का इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग कोई चेंज नहीं होता क्योंकि बनाने वाली जो इंटरनल कंपनी है वो सेम है हर जगह पे तो और पैसा कहाँ जाता है के पास। ये तो पांच सौ करोड़ रुपए yes, तो कहा जाएगा हर एक और हजार रुपए निकालोगे तो पांच सौ करोड़ रुपए कब आएगा वो देखो और प्लस, प्लस एडवर्टीजमेंट चार्ज अलग तो फिर ये क्या मतलब आप नॉर्मली लगाओ ठीक है Uh, मैं 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 अपनी बात करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी बात करता हूँ अगर मेरे को नॉर्मली सब्जी लेना होगा या फिर मेरे को राशन लेना होता है तो मैं कहाँ से लेता हूँ पता है लोकल, लोकल शॉप से फिर आप बोलोगे सर आप तो आप तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात नहीं है बेटा वो जो शॉप है ना जितने भी आसपास घर के उसको मैं इजीली परचेज कर सकता हूँ दो दिन लगेगा मुझे बस घर के आसपास की जो भी शॉप्स है

हम 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 पता है लोग उस दुनिया में जी रहे हैं जहां पे हिपोक्रेसी मतलब आप दोगले पंथी की हद क्रॉस कर चुके हैं हम लोग समझ में आया जैसे इमेजिन करो इफ यू आर ट्रेवलिंग इन फ्लाइट किसी की भी बात कर रहा करो मैं किसी भी की कि, अपनी छोड़ के मैं वैसे ही रहता हूँ फ्लाइट में भी जैसे मैं रियल लाइफ में मैं बोलता हूँ पानी देते दे, बहन जी ऐसे करते मैं तो बोल देता हूँ पानी दे दो खत्म करो करके वहां पे सब लोग क्या बोलेंगे पता है फ्लाइट में ग्लास ऑफ वाटर अ ग्लास ऑफ वाटर ऐसे चलाते रहते हैं

तो आपने कितना दिया उसको डेढ़ सौ रूपए आप ना वहां पे अपना स्टेटस दिखाने के लिए बीस रुपए नहीं मांगते देख लेना मैं मैं बैठा हूं ना बहुत लोगों के बगल में सर वो खुद ही चालू होती है इंडिगो वाली वो कहती है बाद में ले लेना जब जाओगे हाँ तो चलो मैं माने मान लिया कि वन थर्टी रुपीज या तो इमेजिन करो वन सेवेंटी रुपीज हुआ है दो सौ रुपए का नोट दिया उसको अगर वो बोल देगी आई एम नॉट है चेंज ऐसा yes, अब मैं सपोज मार्केट पे गया मैं नॉर्मल मार्केट की बात कर रहा हूं मैंने कई बार बताया इसको क्लासेस में लेकिन लोग समझते नहीं है ये वही लोग हैं ये वही चूतिया लोग है जो जाके सीसीडी में बैठ जाते हैं लैपटॉप लेके अब ए, इतना ही काम करना है तू तो इतना बिजी है तो सीसीडी में क्या कर रहा है इतना अगर बिजी है तो सीसीडी में क्या कर रहा है तू तो? नेक्स्ट ये बरिश्ता सर, एक और एक और नोटिंग की है एक और अभी स्टार बक सर। हाँ स्टार बक ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठते हैं ना बेटा उन लोग के पास सीरियसली कोई काम नहीं है कोई काम नहीं है अगर वो सीरियसली इतना बिजी होते हैं तो यहाँ नहीं बैठते ये खुद खोल लेते हैं उन लोग अपना खुद का एक आउटलेट अब अगर आप मार्केट में हो है ना ट्वेंटी रुपीज की आपने कुछ भी शॉपिंग की उसको क्या बोलते हैं भैया पांच का धनिया तो फ्री दे <laughs> दो okay. बहन जी बाईस रुपए हुए आपके कितना देते हो उसको सच बताना बीस रुपए बीस रुपए तो साला यहाँ पे क्या हुआ था इस जगह पे क्या हो गया था इशू क्या था यहाँ पे गरीब लोगों के पैसे मार रहे हैं

जब ये प्रेशर कम होता है तो याद रखना मैं मैं। यहीं पे शॉर्टकट में लिख रहा रहा तो सौल्ट, सौल्ट मतलब NACL की बात कर yes, सोल्ट अपना वो जो टेस्ट है, टेस्ट है, yes, तो बढ़ाएगा yes, sir. Hmm. और अगर आप रेगुलर ट्रेवल हो फ्लाइट के तो सॉल्ट बढ़ाओगे तो सबसे पहले ए, सबसे पहले वो किसको अफेक्ट करेगा पता है बीपी को अटको ब्लड प्रेशर पर आप समझ में आया वहां पे एटीट्यूड के चक्कर में दो घंटे की फ्लाइट है साले खा के निकलो ना घर से ये पहुंच के खा लेना ठीक है नहीं यस सर सर तो बेटा शोबाजी के चक्कर पे मत जाओ यहाँ सब ये यह सब नौटंकी है फ्लाइट्स में आप अपना एज मच एज एटीट्यूड कैरी किया करो ठीक है पानी खुद लेके जाओ

और उस एयर होस्टेस की क्वालिफिकेशन बताओ ट्वेल्थ 12th पास पता नहीं yes, साली पास हो या फेल हो मुझे क्या पता ठीक है वो ट्वेल्थ पास है और हम क्या हैं पोस्ट ग्रेजुएटेड यस और नो यस सर यस सर सो वी डिजर्व रिस्पेक्ट नॉट दे पायलट डज नॉट डिजर्व रिस्पेक्ट हमारी इंडिया में हमारी इंडिया में जब रिस्पेक्ट की बात आती है तो हम क्वालिफिकेशन देखते हैं करेक्ट Yes, तो वहां पे जाके ना आप अपनी पर्सनालिटी को मत बदला करो करो आप बिहेव करा और और तो तो बताओ आपके पास चेंज है क्या बात वन रुपी की नहीं है आप हम सबसे ले लेके क्या क्या करते हो और ये बिग बाजार वाला फंडामेंटल पार्ट देखो नाइन नाइन मैडम दिस इज ओनली नाइन नाइन वापस करना पैसे ठीक है वापस कर मेरे पैसे पैसे तो मेरे है ना उस एक रुपए को उसी रुपए को, मैं क्यों ना बैगर को दे दू जाके? करेक्ट hmm. ऐसा है. तो ये सब चीजें आप एथिकली समझो बेटा कोई नहीं बताएगा आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ एवरीथिंग इज लाइक मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज है हर चीज क्लियर सर yes, अब आ जाओ क्लॉक पे नेक्स्ट देखो मैं अब इसमें सिर्फ राइज में फोकस कर रहा हूं मतलब इसका बिहेवियर क्या हुआ जहां जहां पे राइज आया मैंने वहीं वहीं पे फोकस किया तो इसका बिहेवियर क्या है बताओ जहां पे राइज आया मैंने वहीं वहीं पे फोकस किया देख सकते हो yes, sir. Yes, sir. इस क्लॉक का बिहेवियर क्या है? Rising edge. तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जब ये दोगे तो राइजिंग एज में काम करेगा और यही वाला क्लॉक दोगे तो क्या ये फॉलिंग एज में काम करेगा नो no. अब देखो मैं टाइम लेके आराम से समझाऊंगा बट यू नीड टू फोकस ये ब्लॉक्स क्या है ये दुनिया का कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो सकता है गेटिंग माई पॉइंट अब जाके मैंने यहाँ से ऐसे एरो करके कनेक्ट किया बट मैं एरो को हाईलाइट करूंगा क्योंकि एरो छोटा बना हुआ है इसलिए मैं एरो को हाईलाइट कर रहा हूँ एरो ऐसे बड़ा बना दिया मैंने और हमने यहाँ पे एक क्लॉक सिग्नल दिया इस क्लॉक को देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि ये कब काम कर रहा है सिर्फ एरो है और ये एरो क्या सिंबल कन्वे कर रहा है आपको पॉजिटिव गेट पॉजिटिव अब मैं एक बार लिख रहा हूँ सर राइज करने का मतलब नीचे से ऊपर जाना होता है और ये सबको पता है अरे यार आजकल तू बड़ा राइज कर रहा है ओके okay. तो ये राइज हुआ कि नहीं जीरो से वन जाना इज नथिंग बट राइज करना अगर क्लॉक में जीरो से वन होता है क्लॉक में जीरो से वन होता है तो ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा यस और नो यस सर नेक्स्ट अगर इसी में मेरी बात ध्यान से सुनना अगर इसी में ये हो जाए मैंने बोला अगर इसी में वन से जीरो हो जाए तो वो फ्लिप फ्लॉप काम करेगा या नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। अब कैसे पता चला ये हमें यहां से देखकर पता चल रहा है इसको देखकर बताओ कैसा क्लॉक है सिंबॉलिकली। पॉजिटिव पॉजिटिव एज जब वो पॉजिटिव एज है तो काम कब करेगा राइज एज राइजिंग एज में और राइजिंग एज में क्लॉक का ट्रांजिशन कहां से कहां तक होना चाहिए जीरो से वन वेरी गुड और ये ब्लॉक डायग्राम कौन सा फ्लिप फ्लॉप है दिस कैन बी एनी फ्लिप फ्लॉप इन द वर्ल्ड क्या बोला दिस कैन बी एनी फ्लिप फ्लॉप इन द वर्ल्ड अगर मैं यहां पे बोलूं जीरो से वन वे वो फ्लिप फ्लॉप काम करेगा और जब 1 से 0 होगा तो फ्लिप फ्लॉप नहीं काम करेगा और नहीं काम करेगा मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हो उसको नहीं काम करने का मतलब होल्ड 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 और 0 से 1 का मतलब सेट oh. अरे बेटा वर्किंग कंडीशन ना सेट है ना रिसेट है क्योंकि मेरे को तो पता नहीं कौन सा फ्लिप फ्लॉप है हम यस सर दो दिन तीन दो या तीन दिन पहले सीएस वाला कंप्यूटर साइंस में नेट का बैच मैंने कंप्लीट किया उसके नोट्स को देखोगे ना और आज के नोट्स को देखोगे वो हार्डली तीन दिन पुराना नोट्स है हार्डली तीन दिन बोल रहा हूँ आप बोलोगे सर दो अलग अलग फैकल्टी ने पढ़ाया है लेकिन पढ़ाया किसमें ध्यान नहीं है मेरा ध्यान कहाँ है गिरने में फॉलिंग गिरने में मतलब फॉलिंग एज फॉलिंग एज मतलब नेगेटिव एज ट्रिगर अब इसका नाम क्या हो गया ये राइजिंग था ये क्या हो गया फॉलिंग एज फॉलिंग एज क्लॉक अब सर बिना सिंबल के देखो हमने आज जितना भी चीजें पढ़ा है हम बिना सिंबल के पढ़ नहीं सकते बिना सिंबल के पढ़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि हर एक चीज को पेन पेपर से हमें रिप्रेजेंट करना है और रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें बिहेवियर चाहिए होता है तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है ध्यान से देखो अभी अभी रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हुआ है ये देखो सिर्फ और सिर्फ अगर एरो है सिर्फ एरो है तो क्या होगा पॉजिटिव गेट राइजिंग एज लेकिन अब देखो अब क्या है बबल भी है बबल तो जैसे ही बबल लगेगा अपनी प्रकृति प्रकृति क्या बोल रहा हूँ मैं अपना नेचर नेचर को तो नहीं दूसरा जो भी है वो चेंज होगा बेटा अब ये flip -flop कम काम काम करेगा करेगा में 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 सर ये कौन सा फ्लॉप है अरे कौन सा भी फ्लॉप हो मुझे फर्क नहीं पड़ता ये क्यू एन है और ये क्यू एन बार है हर फ्लॉप में दो आउटपुट होगा नॉर्मल आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक ये फ्लिप फ्लॉप काम कब कर रहा है ये फ्लिप फ्लॉप कब काम करेगा जब फॉलोइंग है जाए? यस सर वन से जीरो वन से जीरो वन से जीरो में ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा लेकिन अगर मैं बोला बेटा क्लॉक में चीजें बदलने लगी अगर क्लॉक में 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है तो अब बताओ क्या करेगा ये होल्ड नहीं काम करेगा नहीं काम करेगा मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताओ Old. तो ये वर्किंग कंडीशन में कब जाएगा जब होगा। हाँ इसको वही हम एनजीटी बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और ये कौन सा जे है के डी है, 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 है कौन सा फ्लिपलॉप है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इन दिस नेक्स्ट नीचे वाला देखो अब नीचे वाले में कितने लेवल हैं लेट्स टॉक अबाउट लेवल कितने लेवल है पॉजिटिव लेवल और दूसरा नेगेटिव लेवल मैं आज, आज आज आपको एक सीक्रेट बताऊंगा अपने बारे में मैंने क्लासेस किस कंडीशन पे ली है करके ठीक है यस सर और yes, sir. वो यूनिक होगा आप बिलीव भी नहीं करोगे आप ये बताओ ये ऊपर है कि नीचे है पॉजिटिव लेवल है कि नीचे नेगेटिव लेवल है या प्लस वी सेट है कि माइनस वी सेट है प्लस वी सेट प्लस वी सेट प्लस वी सेट मतलब पॉजिटिव यस yes, सर अब इसमें ट्रिगर सर्किट याद करो तो ये आप बोल सकते हो सर दिस इज अ पॉजिटिव लेवल ट्रिगर इट्स अ लेवल पॉजिटिव लेवल ट्रिगर ट्रिगर का मतलब बताओ वही वही ट्रिगर जो गन में होता है वही ट्रिगर जो गन में होता है। वो ट्रिगर करता क्या है जैसे ही को दबाओगे वो काम करता गन yes, तो जैसे ही काम करेगा इसलिए बोलो 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 या rising edge बोलो, positive level ट्रिगर मतलब जैसे ही पॉजिटिव लेवल आएगा फ्लॉप ट्रिगर हो जाएगा जैसे ही फ्लॉप ट्रिगर होगा वो काम करना शुरू कर देगा लेकिन पॉजिटिव लेवल ट्रिगर का सिम्बॉल होना चाहिए तो सिम्बॉल में आपके सामने भी बना रहा हूँ देखो सिर्फ एक लाइन होगी क्या बोला एक लाइन होगी ये बस एक लाइन जा रही है नथिंग एल्स लाइन गई फुल स्टॉप लाइन गई और फुल स्टॉप और ये क्लॉक है लाइन गई और ये फुल स्टॉप और ये क्लॉक है एक सिंगल लाइन चला गया सिंगल लाइन आपको ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है जब एक पॉजिटिव लेवल मेंटेन रहेगा थोड़े देर के लिए तो ये काम करेगा एंड इसका है दिस कुड बी

माइनस वी सेट प्लस वी सेट, माइनस वी सेट, माइनस वी सेट मतलब नेगेटिव लेवल ट्रिगर, यस सर ये तब काम करेगा जब क्लॉक का नेगेटिव लेवल आ जाए और वो थोड़े देर तक मेंटेन रहे, ऐसे क्या लगाना पड़ेगा मेरे को पॉजिटिव लेवल को नेगेटिव लेवल में कन्वर्ट करने के लिए सोच के बताओ बबल बबल एग्री करते हो बबल लगाने से प्रवृत्ति है ना, चेंज हो जाती है या बिहेवियर, बिहेवियर को प्रवृत्ति बोलते हम लोग आचरण चेंज हो जाएगा ज्यादा हो गया क्या फील प्राउड अरे मैं तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ आपको एकदम पॉजिटिव फील होना चाहिए कब जब आप हिंदी कहते हो तो

उसकी गलती नहीं थी बेटा गलती मेरी थी कि मैं उसको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसको तो हिंदी आता है आपको हिंदी mm -hmm. नहीं आता ये आपकी गलती है yes. बोलो यस yes. yes, और हम इतना इतना एटीट्यूड दिखाते हैं ना इंग्लिश जानने के बाद अबे इंग्लिश सीख लिया तो कौन सी बड़ी बात है कोई बड़ी बात नहीं है हिंदी नहीं आता ये अच्छे से जान लो आप वट इज दिस इज दिस एनी फ्लिपलॉप सर yes, तो yes, so, अब आपकी क्लासेस में आज हमने आपको ये पढ़ाया कि चार फ्लिपलॉप की वर्किंग कैसे होती है करके नेक्स्ट सर क्लॉक क्या होता है वो बताया क्लॉक का यूज क्या होता है रियल लाइफ में वो बताया सिंक्रोनस या ए सिंक्रोनस डिवाइड करता है और कितने टाइप्स ऑफ क्लॉक सिग्नल होते हैं ये मैंने बताया यस और नो नेक्स्ट सिंबल को देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप कौन से क्लॉक में एक्साइट होने वाला है ट्रिगर होने वाला है या तो काम करने वाला है अगर जैसे ये नेगेटिव लेवल लेवल आए, तो ये नहीं काम करेगा और नहीं काम करेगा मतलब होल्ड होल्ड करेगा होल्ड करेगा करेक्ट सर। लिखिए अभी जल्दी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है 4 सर बस आज की क्लास खत्म हो गई 4 बजे एसआरएस के बाद इसका 4 बजे है आपकी क्लास यस yes, 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 सर यस सर 4 बजे ही है ओके okay, ओके okay. वरी मत करो अब सुनो मेरी बात ध्यान से नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे ना बेटा तो मैं वो न्यूमरिकल कराऊंगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वन ऑफ द यूनिक न्यूमेरिकल करेक्ट इतना यस yes, सर लेकिन सर हमें पढ़ना क्या क्या है आपको सर्किट याद नहीं करना है मैं बोला था जैसे मैंने आज ओपैम बनाया था तो आपने कैसे बोल दिया कि ये इंटीग्रेटर है है सर्किट सर्किट याद नहीं है, को देखकर पहचान लिया आपने एम आई करेक्ट वैसे ही आपको बेटा एग्जाम पे ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आपको एग्जाम में काउंटर पूछेगा इस एश्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ सर्किट के बारे में वो कम बात करेगा अगर सर्किट के बारे में बात करता है ये देखो अभी सर्किट के बारे में अगर बात करेगा ये देखो ये तो सपोज इमेजिन करो कोई नया सर्किट भी दे, दे देता है तो तो लॉजिक गेट है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट hmm. मैंने आपको चार फिफ्लॉप बताए हैं चारों फिफ्लॉप की वर्किंग के बारे में बात करना जरूरी है एग्जाम्पल लिए मैं पांच मिनट ले रहा हूँ दो तीन मिनट ले रहा हूँ बस सर कैसे सर जे और के अगर दोनों जीरो होगा अगर मैं काउंटर पढ़ा रहा हूँ फिर मैंने बोला अगर जे के दोनों जीरो है तो क्या बोलोगे होल्ड होल्ड अगर वहां पे आप सोच रहे हो कि क्या होता था तो फिर आपकी गलती है क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया नेक्स्ट अगर मैं जेके बारे में बात कर रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि जेके दोनों वन है तो क्या बोलोगे आउटपुट चेंज हो जाएगा जीरो hmm. का वन और वन कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट आपको साथ साथ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पता होना चाहिए नहीं तो फिर डिराइव करना पड़ेगा जैसे j qn बार प्लस k बार qn नेक्स्ट अगर मैं बोलू s एंड r बोथ आर 0 तो क्या बोलोगे होल्ड होल्ड s जीरो r वन r वन है तो रीसेट जी s वन है तो सेट और s और r दोनों वन नहीं हो सकते ठीक है 100 नेक्स्ट दो फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ लिया तो हमें यह भी आईडिया हो गया कि दुनिया में जितने JK फ्लिप फ्लॉप है वो SR के बदले यूज कर सकते हैं उसको क्योंकि JK वो सारा काम करता है जो SR करता है एम आई करेक्ट यस सर यस सर तो अगर मैं बोलूंगा कि SR को JK में कन्वर्ट करो तो आप बोलोगे सर S is equal to J Q n bar एंड R is equal to K Q n K Q n नेक्स्ट yeah. अगर मैं बोलूंगा JK को SR में कन्वर्ट करो तो आप सीधे बोल देना JK अपने आप में SR ही है बोलो सर कैसे क्योंकि जेके वो सारा काम कर सकता है जो कर सकता है।, है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं इज ऑफ आपके मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग? ठीक yes, yes, yeah. yes, है। Next. Uh, हम जब काउंटर पढ़ेंगे ना तो काउंटर के हिसाब से दिस इज नॉट यूनिवर्सल फैक्ट बट एन इंपॉर्टेंट सेंटेंस दुनिया में जितने भी काउंटर आप पढ़ते हो चाहे वो एक्रोनस वो सिंक्रोनस वो हो वो जनरली जेके से बनेगा या तो टी से बनेगा और जितना भी मैं काउंटर पढ़ाऊंगा जैसे टाइप्स ऑफ काउंटर का क्लासिफिकेशन में अपकमिंग क्लास अगर आप बड़ा क्लासिफिकेशन लेते हो तो दुनिया में दो ही काउंटर है कौन कौन से okay. पढ़ाऊंगा तो दो फ्लॉप से बनेगा या तो वो जेके से बनेगा या तो टी से बनेगा एक्स कैपिटल ए सिंक्रोनस बोला hmm. वो दो किससे किससे जी के और तो से बनेगा या तो टी से बनेगा और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंक्रोनस काउंटर उसमें आप कोई भी फ्लिपलॉप यूज कर सकते हो लेकिन दुनिया में जितने भी ए सिंक्रोनस काउंटर है वो किससे बनेंगे जेके जेके और टी से जेके और टी से आप मेरे को थोड़ी देर का टाइम दे सकते हो क्या जस्ट टू मिनट यस यस हाँ अब पता है नेक्स्ट क्लास में प्लीज बी हियर ऑन टाइम क्योंकि मैं इसका डिस्कशन करूंगा फिर आप बोलोगे सर बात तो सही है आपकी प्लीज अभी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सर्किट मैं रिसेंटली स्टडी कर रहा था तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था समझ रहे हो yes, sir. Yes, sir. अभी देखते रहना ना आप मत बनाओ बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं बनाऊंगा इसको लेकिन आप जस्ट देखते रहना कि सर किसी भी सब्जेक्ट का डेप्थ कितना होता है डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑलवेज इनफाइनाइट मेरा ऐसा मानना yes, है तो भी देखना हम ग्रामर पढ़ के कुछ जगह पर फस जाएंगे कोई इंग्लिश का टीचर भी होगा ना तो नए वाले वर्ड को प्रोनाउंस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा हमें कैसे पता चलेगा भाई ऑनेस्ट का एच साइलेंट करके कैसे पता चलेगा अपने को कभी नहीं पता चल सकता अरे हाँ या ना सर 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 और देखना इंग्लिश में एक्सेप्शन्स होता है इंग्लिश से ज्यादा तो एक्सेप्शन कहीं होते ही नहीं है हाँ बिल्कुल इंग्लिश ज्यादा एक्सेप्शन नहीं होते अभी मैं एक सर्किट बना रहा हूँ आपको जस्ट देखना है क्योंकि ये सर्किट मैं सडनली याद तो कर नहीं पाऊंगा इसलिए मैं फोटो ही लेके आ गया था बट आई कैन एक्सप्लेन यू द प्रॉपर वर्किंग ऑफ दिस सर्किट जस्ट देखते रहना अभी व्हाट डू यू मीन बाय सीपी बोलो कर नौग नौग प्लेस बोलो ना सालो पल्स हाँ मेरे को लगा था ही दोगे दोनो प्लेस सर एस, ये आ रही है तो सेक के लिखा हुआ। टू। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बट मैं एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन सेट कर सकता हूं बट जब मैं सेट करूंगा ना तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट कंप्लेन भी कर चुके हैं कंप्लेन क्या होता है बताओ पेपर सेट करते हैं हाँ कंप्लेन ये होता है कि पेपर सरकार टफ सेट करते हैं तो क्या हो गया मेरे पेपर टफ सेट करने से सबसे बड़ा एडवांटेज आपको इसलिए होगा क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा उसका जो क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन है वो इतना इजी लगेगा आप ये भूल जाते हो कैसन बा अबे बोलो ना यार मैं ऐसे तो बोल दिया मस्त हाँ नाउ व्हाट काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप इट इज सबको तो पता चल गया डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है यहाँ पे yes. है ना यस डी इनपुट है ए एस और आर लिखने की जरूरत नहीं थी एक काम कैसे करेगा हाँ लॉजिक गेट है याद करो यस yes, sir. yes sir. ये yes, दिखना नहीं है बेटा लॉजिक गेट है क्या यस yes, कब yes, पढ़ाया था लॉजिक गेट कब उस... पढ़ाया था लॉजिक गेट सदियों पूरे सदियों okay. पहले इस पूरे सर्किट को किससे बनाया है आपने बोलो नैंड, नैंड गेट का यूज नैंड गेट से नैंड अब जितने चूतिया लोग बोलते हैं कि नैंड, नैंड गेट पहले सुनो ना पहले सुनते रहो फिर उसका मजे लेंगे अपन जितने लोग बोलते हैं ना नैंड गेट से हम बाकी सारा लॉजिक गेट बनाते हैं जितने टीचर्स की बात करो उन लोग क्या बोलेंगे मतलब, हम देखो हम नैंड गेट का यूज करके हमने NOR बनाया नैंड का यूज करके XOR आर बनाया XNOR आर बनाया इसीलिए नैंड यूनिवर्सल है अब नैंड का यूज करके मैंने डी फ्लॉप बनाया है तो नैंड क्या हो गया Universal. 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 Next one. Next. D flip -flop है इसकी वर्किंग किस पे डिपेंडेंट है इस पे? Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने जो एनोलॉग में बोला था वही डिजिटल में बोल रहा था हम पूरे के पूरे डिजिटल में लॉजिक गेट डील करने वाले हैं। क्योंकि मैंने बोला था लॉजिक गेट्स आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर पूरा डिजिटल सर्किट लॉजिक गेट पे स्टार्ट होगा लॉजिक गेट पे खत्म हो जाएगा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर था वो क्या था ट्रुथ टेबल अभी ट्रुथ टेबल का डिस्कशन स्टार्ट होगा और ट्रुथ टेबल पे ही डिसक खत्म हो जाएगा लेट्स टॉक अबाउट एनालॉग कहां से शुरू हुआ था एसीएफ केवीएल से और क्या शुरू हुआ था ओम्स लॉ खत्म भी यहीं पे हुआ था मॉडल में जब इसको कल की क्लासेस में मैं कराऊंगा सर्किट नोट मत करो सिर्फ समझो

मैं वही वही बार बार बताऊंगा जब मैं लॉजिक गेट पढ़ा रहा था तब कभी सोचा था कि लॉजिक गेट साला इस लेवल तक चला जाएगा दौस्ट। जब दौस्ट। मैं लॉजिक गेट पढ़ा रहा था तो मैंने ये पॉइंट नहीं बोला था प्लीज बेटा पढ़ लो ध्यान दे दो लॉजिक गेट लास्ट तक पढ़ेंगे हम ये, था। ये वो उसका प्रूफ है ठीक ये सर्किट आप मत नोट करो कोई नोट करने की जरूरत नहीं है जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा तो मैं इसकी वर्किंग के बारे में बात करूंगा लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को जस्ट ट्राई मारना है तो फटाफट फड़ स्क्रीन ले लो और ट्राई करना क्लॉक और अगर क्लॉक जीरो दोगे और डी वन दोगे इसके लिए बस ट्राई करके लेके आएगा स्क्रीन शॉट क्लॉक वन हा क्लॉक वन क्लॉक क्लॉक वन डी जीरो खत्म चार कॉम्बिनेशन सही है बोलो सही है क्या सो so, जब मैं अब, अब अब कभी भी आपका कोई जूनियर आएगा ना बेटा तो बस एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर देना सर हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं क्या दोगे नहीं दोगे क्या देंगे सर, देंगे, सर।, देंगे, सर। आपकी भोजपुरी भी अच्छी है अरे <laughs> सब लैंग्वेज <में> <laughs> देखो इधर अगर आप मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो सुनो जो भी आपका जूनियर कभी भी बेटा कैरेंडेवर पे आएगा और आप उसको बोलोगे वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स सर पढ़ाते हैं तो उनको बोलना के सी एल केवील सर आठ दस घंटे पंद्रह घंटे पढ़ाएंगे ये पढ़ लेना तेरा एनलॉग खत्म हो जाएगा नेक्स्ट सर लॉजिक गेट पढ़ाएंगे पांच घंटे के आसपास ये पढ़ लेना तेरा डिस्किल खत्म हो जाएगा सर ओवरऑल जो कंसेप्ट डील करने वाले हैं वो पंद्रह घंटे यहाँ पे पांच घंटे लॉजिक गेट में बीस घंटे और बीस घंटे को फिर स्ट्रेच कर करके कर करके -कर कर कर हम हंड्रेड प्लस आर्ट्स तक उसी को डील करेंगे अगर इमेजिन करो आपका लॉजिक गेट पहले से अच्छा होता तो मैं स्टार्ट कहाँ से करता फ्लिपलॉप से है ना सर सर ठीक है yes, तो इसके एक बार करके आइएगा आपको इंटरेस्ट आएगा एंड प्लीज इस बात को आप हर जगह पे फैला देना कि भाई वो 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 मीम्स भी तो फॉरवर्ड किया था मैंने

वो गेम मैप है ना मैं उसका नाम भूल गया करनोप तो भाई इसका यहाँ पे एम से कुछ नाम है भूल रहा हूँ तो पढ़ लीजिएगा उसको ठीक है एम से कुछ नाम है उस बंदे का टोटल नाम यस और नो अरे बोलो मॉरिस ऐसे कुछ करके हाँ 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 एक चीज और आपने इतना वेट किया तो मैं आपको कुछ और बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ आपको बोनस बोनस इंफॉर्मेशन इतना देर तक वेट किया ना सब लोग चले गए ना जो चले गए उसको गेट लॉस्ट ये क्या है यही कोड ग्रीन कोड ग्रे, गोर्ड। ग्रे, गोर्ड। ग्रे, कोर्ड। ग्रे कोर्ड का नाम बताओ दूसरा बीसी का नाम बताओ दूसरा नाम बाइनरी कलेक्शन हां तीसरा नाम बताओ नहीं याद है मैंने बोला ना मैंने क्या बोला आपने वेट किया तो बोनस चीज मिलनी चाहिए कि नहीं यस सर सर जो चले गए बाढ़ में जाओ क्या नाम है इसका लाइकली कोड कोड इसको हम बोलते हैं मिनिमम एरर कोड क्या बोला मिनिमम एरर कोड मिनिमम एरर कोड आपने वेट किया तो बोनस इंफॉर्मेशन मिनिमम एरर कोड एक और नाम बताओ क्या है इसका नाम देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यूनिट डिस्टेंस कोड क्या मजा आया आपको यस सर यस सर अगर इस रेट से मैं अपने आप को अपडेट करना स्टार्ट कर दूं तो 10 साल बाद कहां पहुंच जाऊंगा ठीक है yes, सर एक आप कुछ सीक्रेट बताने वाले थे हाँ <laughs> सीक्रेट बताने वाले था सीक्रेट yes, नहीं बताया स्य। आपने स्य। है आपके पास सर टाइम टाइम बता दो अच्छा देखो बेटा एक टाइम की बात है मैं अपने होम टाउन पे क्लास ले रहा था yes, होम टाउन पे तो क्या हुआ था एक टीचर नहीं आया था क्या बोला नहीं आए थे तो ऐसे बताऊंगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा डबल स्टोरी बिल्डिंग एक क्लास यहाँ पे चल रही है जिसमें कंट्रोल सिस्टम चल रहा था और एक क्लास में चल रहा था एनालॉग ठीक है मुझे पढ़ाना था कंट्रोल सिस्टम दो क्लासेस चल रही थी सुनते रहेगा टीचर नहीं आया था तो ना मैं ना दस मिनट यहाँ पे क्लासेस लेता था दोनों बैचेस एक साथ चल रहा था और दस मिनट यहाँ क्लासेस लेता था ऐसे करके मैंने दोनों के दो घंटे कंप्लीट किए थे यहाँ पे न्यूम्रिकल कराता था बोलता था सॉल्व करो फिर ऊपर जाके क्लासेस लेता था फिर ऊपर फिर न्यूब्रिकल कराता था केसीएल केवल बेसिक्स ऑफ ओम्स का ये सब डिस्कशन कर रहा था क्योंकि एनालॉग चल रहा था

ये देखो एक सिंगल मार्कर अब तो पहले मल्टीपल मार्कर था रेड ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन ठीक है मेरे को मार्कर अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा मैंने ये लाइफ का मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है दो बैचेस दोनों एक साथ सब्जेक्ट अलग अलग और दोनों को मैं ही हैंडल कर रहा था अब वन का क्राउड नीचे था और लगभग वन का क्राउड ऊपर था स्टूडेंट्स का आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो लेकिन जहां चाह वहां रहा लोग ऐसी थोड़ी ना बोलते हैं

भिलाई में मैं डिजिटल ऑब्वियसली डिजिटल में मोस्ट ऑफ द टाइम भिलाई पे लेता हूं और यहाँ पे चल रहा था माइक्रो प्रोसेसर रायपुर पे ये भी मैंने किया हुआ है बहुत पहले लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है लास्ट टू लास्ट 2017 की बात है ये 2017 का और ये वाली जो बात है वो 2015 के आसपास की बात है ठीक है अब हो गया सर आप देखो बेटा ये मेरे करने का मेन वजह बताओ मेन वजह इंटरेस्ट क्या स्टूडेंट्स पूरा लिखने दो बेटा यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके आगे कुछ नहीं हाँ लोग फैशन वैशन वाला वर्ड डिफाइन करते हैं तो ठीक है पैशन वाला वर्ड नो डाउट इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट पैशन वाला वर्ड इम्पॉर्टेंट होता है बट उसके छोड़ आपको एक आदत सी हो चुकी है मुझे एक आदत सी हो चुकी है क्या पता है क्या पढ़ो इसको पूरा ये अलग से वो अलग है स्टूडेंट का अप्रिशिएशन स्टूडेंट का अप्रिशिएशन रिस्पॉन्स आपको पता है अगर जब तक ग्राफ ऐसा है तब तक बड़ा मजा आ रहा है है ना लेकिन अगर ये ग्राफ नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो स्टूडेंट का रेस्पॉन्स अगर कम होना स्टार्ट हुआ तो तो जितना आप मेरे को पॉजिटिव देखते हो वो कम होगा तो ये yes, ग्राफ को उठाने के लिए ये तो कांस्टेंट रखने के लिए कितना एफर्ट देना पड़ेगा बताओ ये तो ग्राफ उठ जाए ये तो कांस्टेंट ही हो जाए कितना एफर्ट देना पड़ेगा बहुत हाँ इसीलिए मैं एफर्ट दे रहा हूँ और मेरी लाइफ में कोई भी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी लाइफ में लिटरली मैं अपने फादर मदर को भी पीछे छोड़ दिया हूँ जस्ट इस प्रोफेशन की वजह से अब आप बोलोगे सर आप फादर मदर को भी पीछे छोड़ दिए हाँ बिल्कुल वजह सुनो एक काम करो टीचिंग को कम कर दो पैसे कम कर दो सब कुछ कम कर दो घर में देखो रेस्पेक्ट भी कम हो जाएगा यस yes, और अगर yes, आपको रेस्पेक्ट चाहिए पेरेंट्स आपकी रेस्पेक्ट क्यों करेंगे किसी के मम्मी पापा किसी बच्चे अपने बच्चे की कोई रेस्पेक्ट करता है क्या नहीं ना नहीं करता कोई रेस्पेक्ट कर। अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा एफर्ट दो अब और ज्यादा रेक्सपेक्ट चाहिए तो इसको बढ़ाओ ये जितना बढ़ेगा रेक्सपेक्ट भी बढ़ जाएगा बात खत्म एज सिंपल एज दैट बी प्रैक्टिकल हाँ तो बस yes इसीलिए हम करेंगे ये काम और कोई काम हमको आता नहीं मैगी बनाना हमको ढंग से आता नहीं तो क्या करोगे पढ़ी लो जब कोई काम ढंग से आता नहीं है और एक ही काम ढंग से आता है तो उसी को करो ढंग से यस yes और yes चलो बेटा विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू टेक केयर